अरे तो शोक मनाना चाहिए, शोक सभा करनी चाहिए, है ना। जैसे आजकल कोई मर जाते हैं तो उसको शोक सभा मनाते हैं, कुछ समय मौन रहते हैं, उनके संबंध में कुछ बोलते हैं। हमारे ऐसे नहीं, हमारे उल्टा विरह महोत्सव, विरह उत्सव। ऐसे क्यों उत्सव? क्यों यह उत्सव का क्या है? यह तो कष्ट होना चाहिए, संताप होना चाहिए ना। ये जो महत्पुरुष जो भगवत उपासना करते हैं, ब्रज में आए हैं, इन लोग पहले तो संसार तीर्थाप दग्ध होकर के संसार चक्र में अनादिकाल जीव चैतन्य सत्ता स्वरूप विस्मृत होकर के मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अविनाशी अंश हूँ, मैं आनंदमय हूँ, चिन्मय हूँ, शुद्ध सत्य नित्य मुक्त आनंदमय दिव्य हूँ, ये स्वरूप भूल गया। स्वरूप भूल करके एक शरीर धर्मी पंचभौतिक शरीर, ये प्रकृति का देन है, माया के देन है, इसमें आकर के तदात्म होकर के 84 लाख जोनी में कर्म अनुसार अलग अलग शरीर परिवर्तन कर रहे हैं और संसार चक्र में माया चक्र में पड़ करके दावनल पीड़ित होकर के संसार चक्र में घूम रहे हैं, फिर भी निवृत्ति नहीं। इस भूल को मिटाने के लिए हमारे भीतर कोई प्रयत्न नहीं। इतने दुखी हो रहे हैं फिर भी दुख से निवृत्ति के लिए हमारे अंदर कोई चेष्टा नहीं। ये दुख के कारण हमारे अंदर कोई संताप नहीं। हमारे विस्मृति के कारण हमारे अंदर कोई पश्चाताप नहीं। क्यों? हम भूल गए हैं ना, भुला दिए हैं माया। हम जो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है, अभेद, कोई भेद नहीं है। तुम मानो या ना मानो, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम नहीं मानते हो भगवान को, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तुम्हारा अज्ञानता ठीक है, तुम्हारे पास रहने दो, लेकिन बात सत्य है। संसार में यह तो सुख है नहीं। क्यों? सुख है एकमात्र भगवत चरण में। दृश्यमान जागतिक भौतिक पदार्थ में कोई सुख है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमाम। संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, असुखम। भगवान की सृष्टि भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। मानो या ना मानो तुम्हारा मामला है, हम तर्क नहीं करेंगे तुमसे। हमको प्रमाण देने का कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जब ठोकर खाओगे खुद समझ जाओगे। अभी दुनिया का रंग में रंगे हुए हो, इसको सत्य मान रहे हो, ये सुखमय है, और जो भजन करते हैं ये सब मिथ्या, ये सब धर्मांधता, ये सब वर्तमान आधुनिक सभ्य समाज की ये उक्ति है, उनकी विभ्रांति है, वो जानते ही नहीं है धर्म क्या है। कहे ऐसे मूढ़ो जन से हमारा कोई संबंध नहीं। जो मूर्ख अज्ञानी है उससे क्या तर्क करना है? जोड़ियो वस्तु कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकते हैं। आनंद जो शब्द है ये चेतन धर्मी, हम जो चेतन है ना, ये स्वयं आनंदमय है, और भगवान पूर्ण अखंड आनंद सिंधु है, और ये संसार जो है उसके परछाइयां है, रिफ्लेक्शन है, आनंद का रिफ्लेक्शन, आनंद नहीं। वही चेतन सत्ता हम जो चल रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, देख करके लगता है आह कितना आनंद मूर्ति है, हमारे पुत्र है, कन्या है, स्त्री है ये, लेकिन ये है नहीं। वो ये कि चेतन सत्ता है, नाना प्रकार शरीर धारण करके
प्राकृतिक संबंध लेकर के उसको हम अलग अलग तरीका से अपना करके उसमें आनंद पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो वास्तव में वो आनंद स्वरूप जो है वो आत्मा ही है, तुम स्वयं आनंदमय हो, ये सत्य है। जब भगवत चरण में समर्पित हो जाता है, गुरु कृपा प्राप्त करके वो सत्य को अनुसंधान करने के लिए, संसार चक्र से मुक्त होने के लिए, परम सत्य को उपलब्ध करने के लिए, परम आनंदमय सत्ता में स्थित होने के लिए जब उपासना करते हैं, तो धीरे 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 ये अज्ञानता, ये माया जो है अज्ञानता, इससे मुक्त होकर धीरे 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 वो जाके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, भगवत सान्निध्य, पूर्ण सान्निध्य प्राप्त करके, प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके पूर्ण आनंदमय हो जाता है, तृप्त हो जाता है, समस्त संशय मुक्त हो जाता है, समस्त संदेह नष्ट हो जाता है। वो आनंद इस जगत के अनंत कोटि ब्रह्मांडों के समस्त सुख समृद्धि अगर सम्मिलित करके आपको प्रेजेंटेशन किया जाए, जी जगत में जितना प्रकार आनंद है सब आनंद अगर एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन किया जाए, ये आनंद लो, हम तो शुद्ध आनंद के अनुसंधान में अपना मानव जीवन चौपट करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जाए जीवन जाए कोई बात नहीं। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख संपत्ति तुमको दे दिया जाए, और एक तरफ भगवान, तो भगवान के चरण कमल में जो शांति आनंद, उसका एक कण नहीं ये आनंद, एक कण नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सब सुख। अरे हम तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तो छोड़ दो, हम तो संसार के थोड़ा सा सुख प्राप्ति के लिए साला जी जान दे करके साला नरक जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने दुर्लभ मानव जीवन को चौपट करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जीवन को समर्पण करके भाग रहे हैं, दिन नहीं रात नहीं, चैन नहीं, निद्रा नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, छूट भाग रहे हैं, अपना मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी भूल गए हैं, हमारा टारगेट क्या है मानव जीवन का ये भी भूल गए हैं, चिंता करने का हमारा दिमाग वो भी नष्ट हो गया है। तुम्हारा टारगेट क्या है मानव जीवन का, तुम जन्म लिए हो, तुम्हारा अंतिम टारगेट क्या है, टारगेट ही नहीं, खाना पीना, पुत्र परिवार, कुटुंब पालन पोषण, धन संपत्ति विषय, अरे अरे ये तो पड़ा रहेगा, तुम तो चले जाओगे, तो तुम किस लिए आए, तुम्हारा टारगेट क्या है। देखो कोई कर्म करता है, कर्म के लिए एक टारगेट होता है, हमको ये करना है ना, फिर जाके तो कर्म करते हैं ना, उस कर्म उस विषय चिंतन करते हैं, फिर किस तरह से वो प्राप्ति की जाती है उसके लिए हम कोशिश करते हैं। पहले तो टारगेट, लक्ष्य, हमारा मानव जीवन का कोई लक्ष्य ही है नहीं, पूछा जाए आपका जीवन का टारगेट क्या है, हाँ ठीक है ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है तो किया, लेकिन तुम तो छोड़ के चले जाओगे, ये तो किया ठीक है, तुमको क्या मिला, किस लिए आए हो संसार में, वो जानता ही नहीं है हमारा टारगेट, क्योंकि टारगेट उसका है ही नहीं, वो कभी सीखा ही नहीं, कभी वो चिंता भी नहीं किया हमारे मानव जीवन का टारगेट क्या है। तो कोई बात नहीं, घूमने दो, खेलने दो, महाकाल स्थिर है, और अनंत काल ये अंधकार में यात्रा करने की तुम्हारी जो प्रवृत्ति है, महाकाल स्थिर है, खूब चलो, चलते रहो, देखो महाकाल स्थिर है, यहाँ तो सूर्य उदित होता है, दिन है, अस्तमित होता है, रात्रि है, इसके ऊपर उठो, वहाँ ना सूर्य अस्त होता है, ना दिन है, ना रात है, महाकाल स्थिर, समय फमय है नहीं, खूब घूमो काल चक्र में, अभी भी चेतन हो जाओ, अनुसंधान करने के लिए कोशिश करो, मानव जीवन
शुद्ध बुद्धि ज्ञान विवेक देकर के तुमको भगवान समस्त सृजनी शक्ति देकर के तुमको संसार में भेजा है। ये मानव तोनु इतने सुंदर भगवान इतने सुंदर सृजन शक्ति के द्वारा तुमको रचना किए हैं, इसको ठीक ठीक तुमने व्यवहार करोगे तो अमृत फल फला सकते हो, इतने शक्ति तुम में है ना। उसका विकास चाहिए, बस ढका हुआ है, उन्मोचन करना है। ये नहीं ऊपर से आएगा, शक्ति शक्ति है, ढका हुआ है, उन्मोचन करो। भगवत शरणागत हो करके भगवत चिंतन करो, ध्यान धारणा उपासना नाम जप करो, शरणागत हो जाओ, इतना तो करो। तो जो ऐसे महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करके जान गए हैं, संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, तो वो साधन करके इस संसार से मुक्त हो जाता है, वो जान जाता है, अपनी जड़ीय ग्रंथि खुल जाता है, ये जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप नित्य स्वरूप उसमें स्थित हो जाता है, पूर्ण आनंदमय परम आनंदमय भगवत सान्निध्य प्राप्त करके अनंत आनंद सिंधु में डूब जाता है, ये परा आनंदमय और उस आनंदमय की सर्वश्रेष्ठतम ये उपासना पद्धति है हमारे राधा रानी की उपासना, जिनके चरण सान्निध्य प्रेम सेवा प्राप्त करके परा आनंदमय परा शांति प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ये सब में ये शक्ति निहित है, ये नहीं जो गए हैं वो सब कृपा सापेक्ष है, हमारे प्रति कोई कृपा नहीं है, ये अज्ञानता ये भ्रांति ये मोह ये अभिनिवेश ये अविश्वास छोड़ दो, हम भी भगवान के उतना ही प्रिय हैं, जो प्राप्ति किया वो जितना है हम भी उतना ही प्रिय हैं, इसलिए अविश्वास छोड़ दो, ये भूल जाओ हम क्या किए हैं, पाप किए हैं क्या नहीं किए हैं, भूल जाओ। करोड़ों साल अंधकार में एक घर अंधकार में है, प्रदीप जलने में उसको रोशनी होने के लिए बहुत साल इंतजार करना नहीं पड़ता है, पलक में ही उजाला हो जाता है, ऐसा नहीं ये करोड़ों बरस तक ये अंधकार में पड़ा था ये भाई जलने में समय लगेगा, ऐसा नहीं, हम अनंत काल अंधकार में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं, पलक में ही उजाला हो सकते हो, क्यों तुम उस उजाला के ही अंश हो, उस शक्ति के ही अंश, तुम स्वयं हो वो आनंदमय है ना। तो जब ये साधक जान जाते हैं तो ये अखंड अनंत काल जो हम संसार चक्र में घूम रहे हैं इससे मुक्त होकर नित्य धाम प्राप्त करते हैं, परम आनंदमय यात्रा जदगतान निवर्तनते तद धाम परम मम, जहां जाने से फिर कभी लौटता नहीं है वो मेरा परम धाम, परम शांति, परम शांति दिव्य आनंदमय नित्य सत्य सनातन तुम हो यात्रा। तो जब ये शरीर छोड़ते हैं ये परम शांति पद प्राप्त करने में समर्थ होने के कारण हम महा उत्सव मनाते हैं, आहा कितना आनंद कितना आनंद, इसलिए विरह तो उनके अभाव के कारण उनकी सान्निध्य प्राप्त करने में हम असमर्थ होने के कारण हम दुखी हैं विरह, लेकिन वो जो इतना दुखमय संसार से मुक्त होकर के परम आनंद शांति पद प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, ये आनंद महोत्सव तो विरह महोत्सव ये है हमारे विरह महोत्सव, इधर हमारे लिए भी विरह है, आज उनके सान्निध्य हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रेम में सान्निध्य महोत्सव हो संसार चक्र से मुक्त होकर दिव्य लोग दिव्य परम आनंद पद प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, जुगल किशोर के प्रेम सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, इसीलिए हम महोत्सव मनाते हैं विरह महोत्सव। आज वो सिद्ध बाबा के
स्थिति है। कृष्णदास बाबा, सिद्ध कृष्णदास बाबा बंगला में जन्म है, बंगाल में जन्म है। बाल्यावस्था का संबंध में विशेष कुछ परिचिति है नहीं। किशोर अवस्था होते ही ब्रज में चले आए हैं, दीक्षा प्राप्त करके एकांत में भजन के लिए वर्तमान रणवारी गांव है, वहाँ कोशी के पास जंगल था, अभी भी थोड़ा अलगा जंगल है, वहाँ जाकर के एकांत में भजन करना शुरू किए हैं और साधन के बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। साधन की स्थिति है हमारे महाप्रभु के जो निर्दिष्ट जो मार्ग है उसमें श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये स्टेज है। प्रेम में जाकर के उसके समस्त अज्ञान ग्रंथि खुल जाता है, जहाँ जाकर के जुगल किशोर के प्रेम सेवा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमारी उपासना में प्रधान है व्याकुलता, उत्कंठा व्याकुलता, इसका विशेष प्राधान्यता है। तपस्या साधना इसका उतना अपेक्षा है नहीं। तपस्या साधना तो अंतकरण शुद्धिकरण के लिए जरूरत है, जैसे खान पियन विहार चलन आदि समस्त क्रिया जो है ये हमारे साधन के लिए बहुत बाधक हो जाता है। मान लीजिए खाना पीना में संयम नहीं, जो चाहे खा लेते हैं, जैसे हो नियम नहीं, ध्यान धारणा नहीं, तो इसमें मन संयम करना संभव नहीं होता है, चित्त विक्षेप हो जाता है। इस कारण साधन भजन तो चाहिए, लेकिन प्रधान है आपका इस साधन पद्धति में व्याकुलता। हमारे साधना का लक्ष्य है प्रेम, जुगल किशोर का प्रेम, भगवत प्राप्ति हमारे उद्देश्य नहीं। भगवत प्राप्ति तो अघासुर बकासुर दंत वक्र शिशुपाल ये भी प्राप्त किए थे, लेकिन क्या हुआ, प्रेम नहीं है, इस कारण भगवान को आस्वादन कर नहीं पाए। इसलिए हमारे प्रयोजन है प्रेम, संबंध अभिधेय प्रेम, पहले संबंध बोध, भगवान कौन है, हम कौन है, कृष्ण कौन है, कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, ये बोध। बोध के बाद अभिधेय कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है भक्ति, नवदा भक्ति। फिर हमारा टारगेट क्या है, प्रयोजन, वो है क्या, प्रेम। प्रेम बिना सब फीका, उनको प्रेम, ये प्रेम नहीं हो, दिव्याति दिव्य प्रेम, जो प्रेम की एक छटा पाने से अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि एकदम संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जगत की कोई भी वस्तु पदार्थ हो, कोई प्रेम पलक के लिए भी उसका आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो सकता है, वो प्रेम की छटा, इतनी ये शक्ति है उस प्रेम में, ये प्रेम नहीं। हम जो स्त्री कुटुंब परिवार धन जन आदि में जो हमारे प्रेम है, विषय वित्त वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा, इसमें भी हमारा प्रेम है, लेकिन ये प्रेम वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम तो दिव्याति दिव्य। जैसे कैसे लाभ किया जाता है, वो है भक्ति, साधन भक्ति। मतलब तो रास्ता या मार्ग, मार्ग अभिधेय मार्ग, प्रयोजन भक्ति। बोले कृष्ण क्यों नहीं, ना कृष्ण का ऐसे कोई पकड़ में आते नहीं, अनंत है ना, विभु है ना, वो किसी का पकड़ में आता नहीं है, लेकिन भगवान प्रेम रूप रज्जु में बांधे हुए हैं। जैसे धिंगड़ा गाय है भाग रही है, तो तुम उसको पकड़ने के लिए जाओगे, तुमको मार देगा, बहुत धिंगड़ा है, तो क्या करोगे, उसके गले में रस्सी बांधा हुआ है। हमारा टारगेट रहता है वो रस्सी को पकड़ लो, एक बार गाय भाग रही है ना, रस्सी लंबा रस्सी है, अब हमारा टारगेट गाय की तरफ नहीं, रस्सी की तरफ, क्यों,
रस्सी मिल गया, फट जाके एक पेड़ में हम बांध दिया, लटका दिया, दो बंध गया ना। तो भगवान प्रेम रूप रस्सी में बंधे हुए हैं। तो वो प्रेम रूप रस्सी हमारे हाथ में आ जाएगा तो कृष्ण जा नहीं सकते, पलक के लिए हमको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। वो प्रेम वश्यता के कारण अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त को दीन हूं, तो भगवान कभी छोड़ के जा नहीं सकते। इसीलिए प्रेम प्रयोजन हमारा, भगवान को बांधना समा ऐसे साधारण बात नहीं है, है? इसीलिए प्रेम, प्रेम रूप रस्सी में भगवान बंधे हुए हैं, इसीलिए प्रेम हमारा टारगेट है। प्रेम मिल जाएगा तो भगवान सब मिल जाएंगे, वो हमको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते पलक के लिए। भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, बंधे हुई है, भक्त पकड़ लिए है। प्रेम, तो प्रेम प्राप्ति के लिए वो बाबा उपासना कर रहे हैं, साधन में बहुत उच्च स्थिति। तो बहुत दिन हो गया, सोचे हैं भाई तीर्थ तीर्थ तो किए नहीं, कहीं गए नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, साधन करते करते कभी कभी मन में उदासीनता आ जाती है, चलो थोड़ा घूम घाम के आ जाए, मन असल में उतना लग नहीं रहा है, चलो। ऐसा होता है, सब साधक के लिए ऐसा होता है, लेकिन आसन छोड़ के जाना नहीं चाहिए कभी, अच्छा लगे या ना लगे। आसन छोड़ के कहीं जाने से ही वो आसन नष्ट हो जाता है, भजन छूट जाता है, विक्षेप आ जाती है। इसीलिए कभी ऐसे नहीं करनी चाहिए, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य लेकर जो भजन में तत्पर हो गए हैं। लेकिन उनका मन में आया भाई कुछ दिन तीर्थ पर्यटन, थोड़ा दारुका धाम देखे नहीं है, द्वारका में जाएंगे। तो संकल्प किया और दो एक जन मिल गया ऐसे साधु, चलो भाई द्वारका जाएंगे। राधारानी ने सपना देश किए तो ब्रजेश्वर के मत जा, जो मिलना है यही मिल जाएगा, क्या करने जाएगा द्वारका। सपना टूट गया, जब जाग गए तो सोचे भाई ये स्वप्न तो कितना देखते हैं, ये ऐसे ही एक स्वप्न है, ऐसा थोड़ी है राधारानी ऐसे कह देंगे, ऐसे ही था उनके भाग में, ऐसे ही कुछ था, अनर्थ था। चले गए द्वारका, द्वारकापुरी इधर उधर तीर्थ पर्यटन, दक्षिण भारत घूम घाम के द्वारकापुरी गए। द्वारकापुरी में जाने से वहाँ तप्त मुद्रा धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म छप्पा लगाते हैं, है ना। ये शंख चक्र गदा पद्म ये है ऐश्वर्य प्रधान उपासना पद्धति, हमारे माधुर्य उपासना पद्धति में शंख चक्र गदा पद्म धारण, ये माधुर्य उपासना ब्रज उपासना पद्धति है ना। तो छप्पा मोहन लगाए, लगा करके आए फिर घूम घाम के दो चार महीना पीछे ब्रज में अपने आसन में आए, बैठे हैं। रात में राधारानी को रूप दिख करके एकदम घबरा गई। राधारानी कहते हैं तू यहाँ क्यों आया है, तू द्वारका जा, तू तप्त मुद्रा धारण किया है, तू महिषियों के किंकड़ी बन गई है, अब ब्रज में तेरे लिए स्थान नहीं, तू जा द्वारका जा। तो घबरा गए जी, ये तो सपनों नहीं, मन उदास हो गया, भजन में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, पहले जैसी स्थिति नहीं। ध्यान करते हैं वो जो पहले स्फूर्ति दशा प्राप्ति होती थी, वो कोई स्फूर्ति नहीं, शरीर में अग्नि फरक रहा है, जल रहा है, नाम में कोई रुचि नहीं, नाम ले रहे हैं, कोई आनंद नहीं। गए हैं बड़े बड़े सिद्ध बाबा थे, महात्मा थे जी, कारण क्या है, हमसे क्या अनर्थ हो गया, क्या वास्तव सत्य है ना कि इसका कोई उपाय है, जिस उपाय अवलंबन करके हमारे दयनीय स्थिति से हम मुक्त हो सकते हैं। गए हैं,
गोवर्धन के सिद्ध कृष्णधर बाबा थे उस समय, सिद्ध महात्मा, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। उनसे उनका एक ही नाम होने का कारण थोड़ा दोस्ती सखा भाव थे उनके साथ। तो जाते ही छाती में भर लिया, कैसे आप कैसे चले गए, बहुत दिन कहाँ गए? ना हम तो गए थे द्वारकापुरी, ये देखिए ना तप्त मुद्रा धारण करके आए हैं। किन्दोरी, आप तो राजेश्वर जो संपन्ना वो रुक्मिणी उन लोगों के गण बन गए हैं महाराज, आप तो कहाँ राज रानी और हम कहाँ ग्वालिनी की दासी हैं, हम तो आपके स्पर्श के लायक नहीं हैं, हम माफ कीजिए, आप कहाँ राज रानी उनके किंकरी और कहाँ हम ग्वालिनी की दासी हैं महाराज, हम आपके लायक नहीं हैं, हमको माफ करना। तब तो जा करके समझ गए, तो बहुत काम तो बिगड़ गया। फिर गए जय कृष्णधर बाबा और जो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, सभी ऐसे कह दिया इसका कोई उपाचार हमारे पास तो जानकारी है नहीं। तो प्रेम विरह, विरह दो प्रकार है। एक विरह है जो अश्रुपात होता है, हृदय गदगद हो जाता है, उनके विरह में खूब रोते हैं। ये विरह तो अच्छा है, इसमें तो कष्ट होने से भी एक शांति मिलती है। जब साधक राधारानी के विरह में रोते हैं बैठे बैठे, कष्ट तो उनके विरह में तो कष्ट तो होता है, लेकिन एक भीतर में एक प्रशांति है ना, भीतर में एकदम थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे स्नान करके आया हूँ, जैसे एकदम संसार से समस्त मलिनता जैसे धुल गया है, अश्रुधारा से जैसे हम बहुत निर्मल हो गए हैं। ऐसे जो साधक ऐसे रोते हैं वो जानते हैं। यह है, ये जो विरह है ये तो चाहिए, अच्छा है, ये नहीं होने से साधक साधन जीवन में बहुत उदास हो जाते हैं, जो हमारा तो अश्रुपात होता नहीं। साधन में एक लक्षण है हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, उसका लक्षण है अश्रुपात होना। ये हमारे प्रेम उपासना में, ब्रज उपासना पद्धति में, वाक गद गदया द्रवत चित्र सबिना बिना आनंद अश्रुकलया कथंग सिद्धि विनाशय, श्रीमद् भागवत कहती है। वाक गद गदया, कृष्ण कथा कहते कहते गदगद कंठरुद्ध हो जाता है, द्रवता चेतसा चित्त द्रवीभूत हो जाता है, विगलित हो जाता है, हा राधे हा करुणामयी हा करुणामयी बोल करके हृदय जैसे पिघल जाता है। द्रवता चेतसा बिना आनंद अश्रु का लया, आनंद अश्रु बहना धारा बहना, कथंग सिद्धि विनाश है, तुम्हारे चित्त जो शुद्ध हुआ है हम कैसे जानेंगे, माने तुम्हारा चित्त शुद्ध ही हुआ नहीं, भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, प्रेम तो दूर की बात है, तुम्हारा अभी तक चित्त शुद्ध हुआ नहीं, चित्त शुद्धि हुई नहीं, प्रेम तो बहुत दूर की बात है। तो ये अश्रु पात ये होना चाहिए, नहीं होने से समझना चाहिए हमारे हृदय अपराध आदि के कारण, अपराध आदि के कारण कठोर हो गया है, इसके लिए कुछ उपाय अवलंबन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो विरह, शुष्क विरह, इस सरस विरह, इस निरस विरह, सरस विरह तो सुरधारा, निरस यह है, निरस विरह जो है ये बड़ा खतरनाक है, ये भयंकर खतरनाक है। अगर एक मिनट के लिए भी किसी को ये विरह हो जाए, माने संसार में इतना कष्ट, मृत्यु बोलो और तिताप दुख बोलो,
नरक बोलो, उससे ज्यादा जब कष्टदायक कुछ है नहीं। ये विरह, शुष्क विरह, भयानक खतरनाक, इसका लक्षण क्या है? सरस विरह जो है उसका लक्षण है अश्रुधारा, हृदय गदगद होना, अश्रुकंप पुलक, शरीर में कंपन होता है, अश्रुकंप पुलक, शेत, वैवर्ण स्तंभ, मूर्छा, प्रलय, ये सब विकार है, होता है। कभी तो एकदम स्तंभ जैसे हो गया, कभी तो कंपमन हो रहा, कांप रहा है जैसे जैसे, कभी तो प्रसेद ऐसे पसीना छूट जाता है, ठंडी में, ठंडी में पसीना छूट जाता है, कपड़ा गीला हो जाता है ठंडी, महा ठंडी में एकदम ऐसा है, उसको कहते हैं शेद। और ये जो विरह है, ये विरह बड़ा खतरनाक है। ये कैसे है? अंधकार, आग मुख्य अंधकार, अश्रु तो नाम निशान नहीं, नाम में कोई रुचि नहीं, जैसे कभी हमने भजन किया नहीं, जैसे भगवान नामक कोई पदार्थ है ये हमारा जानकारी है नहीं, हम भगवान के कोई है ऐसे भी नहीं, एक भयानक स्थिति। ये कोई प्रेम के थोड़ा छटा प्राप्त किए हैं ऐसे साधक, उसके लिए कहीं ऐसी स्थिति आ जाए तो वो जानता है इस ये विरह का क्या स्थिति होती है, प्राण धारण करना संभव हो जाता है, बहुत साधक आत्महत्या कर लेता है, बहुत साधक है, ये शुष्क विरह है। अकुहित तो कृष्ण प्रेम जन जम्मू न दोहेम, से ही प्रेम नीलोके न है, यदि है तार जोग ना है वियोग, वियोग हईले कभुना जी है। तो वो प्रेम तो निर्लोक में होता नहीं है। अकुहित कृष्ण प्रेम जन जम्बू न दोहेम, जम्बू न दोहेम माने एक द्वीप है जम्बू द्वीप, वहाँ हाथी जैसे बड़े बड़े हजारों लाखों जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जामुन के वृक्ष, हाथी जैसे फल जामुन वृक्ष गिरता है, गिर करके उसका धारा बह जाती है रस निकल के, और वो नदी जैसे बन जाता है जम्बूद्वीप में, उसको कहते हैं जम्बूद्वीप, और उसके वो रस किनारे में सूर्य के ताप से वो धीरे धीरे जम जाता है, जम करके एक चट्टान जैसे हो जाता है, सोना बन जाता है, उसको कहते हैं जम्बू नदोहिम, जम्बूद्वीप में होता है अप्राकृतिक, एक द्वीप है, कोई ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में ना जाने कितना कितना क्या क्या है। वो सोना इतना सुंदर जो नरलोक में वो सोना होता नहीं है, हम लोग जो सोना पहनते हैं वो सोना नहीं, और उत्तम सोना वो देवता लोग ले जाते हैं, वहाँ जितना देवियाँ हैं ये सब अलंकार पहनते हैं वहाँ जम्बू नदी। अकोईतब कृष्ण प्रेम, अकोईतब माने वंचनाकारी, कोईता प्रधान, जैसे हमारे जितना जगत में जागतिक प्रेम है ये सब वंचनाकारी प्रेम नहीं, ये दिखावा है, ये आप समझते हैं आपको प्रेम करता है, आपको प्रेम नहीं करता है, कोई प्रेम नहीं करता है, बोले ना हमारे स्त्री, हमारे पुत्र, हमारे कुटुंब, हमारे परिवार, हमको हमारे दोस्त मित्र हमको प्रेम, बोले झूठ बात है, तुमसे कितना आनंद मिलता है तदनुसार वो तुमको प्रेम दिखाता है। आनंद प्राणा बंद हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा, आपको पसंद नहीं है मेरा बात ना, आप एक काम करना, कल घर जाना, घर जाके बोलना हम आप कुछ नहीं, काम धाम कुछ नहीं करेंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, तो दो रोटी देना देना, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो भजन करेंगे, काम धाम छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओ, नकल बस हम कहीं जाएंगे नहीं, घर में तीन दिन आपको रोटी मिलेगा, फिर बासी रोटी, फिर बोझा बन जाएंगे, ये तो काम धाम करता नहीं है, बेटा देखेंगे ये तो बाप तो हमारा कोई दो पैसा कमाते नहीं है, हमारे लिए कोई लाभ नहीं है,
घर के लिए मने आप बोझा बन जाएंगे, निकल जाए तो जाओ जाओ वृंदावन जाओ, तुम वृंदावन जाओ, घर सब प्रेम छूट जाएगा, देखिएगा देखिएगा तो कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, ये प्रेम दिखावा है। आप कितने आपसे आनंद लेते हैं उस आधार पर हम प्रेम दिखाते हैं, यह बात है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कोई तब प्रधान, कोई तब माने वंचनाकारी, यहां प्रेम है नहीं, होता नहीं। प्रेम शब्द जो है ये चिन्मय वस्तु जो आत्मा है, आत्म संबंधित है। हम जागतिक कोई वस्तु पदार्थ से प्रेम नहीं करते हैं, उस जो चिन्मय भगवान जो है उनके जो प्रकाश है, क्योंकि सब वस्तु में उन्हीं का ही प्रकाश है ना, मत्त पर तरंग नान्यत, हमसे परे और कोई तत्व तो है नहीं, अहम ही सर्वस्व प्रभाव, मैं सब में हूं। तो इसीलिए दिखने में लगता है इसमें प्रेम है, इसमें आनंद है, आनंद है। जब कोई मर जाता है प्रियजन, हम तो उससे खूब प्रेम करते हैं, तो छाती पटक पटक के रोते हैं, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, तुम हमको छोड़ के, अरे तो तुम जिससे प्रेम करते थे वो तो है यहाँ, तो छोड़ के गया कौन, तो किसके लिए रो रहे हो, अरे जिस शरीर से प्रेम करते तो है सामने पड़ा है, तुम हमको छोड़ के कहाँ गए, मतलब छोड़ के जो गया है उससे प्रेम करते थे तुम, शरीर से नहीं है ना, हम उससे प्रेम करते उस चिन्मय सत्ता से, बहुत ही बहुत। फिर जल्दी हटाओ, छूने से नहाना पड़ेगा, जल्दी हटाओ जितना जल्दी हो जाए, ये है। इसीलिए कहते हैं ये जो दृश्यमान जागतिक जो भी वस्तु पदार्थ है अनित्य है, ये था नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ये आगंतुक है, ये संयोग है, यहाँ वियोग अनिवार्य है, ये जान करके वस्तु पदार्थ से मन को हटाना, आज हो काल हो, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग अनिवार्य हो, डिटैचमेंट, जहाँ अटैचमेंट डिटैचमेंट निश्चित, संयोग पुत्र एक दिन रहेगा नहीं, कन्या आगंतुक, हम आने का बाद संयोग हुआ है, एक दिन छोड़ के हम जाएंगे नहीं तो वो जाएंगे, विषय है आगंतुक, ये तो कितना मालिक बन के चला गया है, हम जाएंगे फिर कोई मालिक बनेगा, ये आगंतुक संबंध है। यहां कोई वस्तु से हमारा नित्य संबंध था नहीं है नहीं होगा नहीं हो नहीं सकता है, आगंतुक है, संयोग है, वियोग अनिवार्य, संयोग मिथ्या आगंतुक, वियोग सत्य नित्य, आखिर में जाकर के वियोग में स्थिति, सब छोड़ छाड़ के तुमको जाना पड़ेगा, ये शरीर को ये संयोग मातृ जठर में मिला संयोग, ऐसे ही वियोग होगा, शशान में छोड़ के जाना पड़ेगा वियोग, लेकिन इसका मुंह में फंस करके हमारे आत्मा को बंधन दशा प्राप्त करा करके चुराशीलक घूमने के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये संयोग है। तो ये जो प्रेम है ये है कैतव, कैतव माने वंचनाकारी, तुमको वंचित करेगा ही, जहां जहां तुमने प्रेम किया, व्यक्ति हो या वस्तु हो, तुम धोखा खाओगे खाओगे खाओगे, वो नष्ट होगा ही, बैंक बैलेंस कर रहे हो तुम तो मरोगे, टाका रुपये लेके जाओगे जाते समय, धोखा खाओगे, आत्मा हाहाकार कर, अरे हमने इतना रुपया कमाया आज हम सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, आत्मा हाहा करता है, कोई उसका क्रंदन सुनता नहीं है, माया मोह तो इतना धन इकट्ठा किया, जाना पड़ेगा, वो धन पड़ा रहेगा, चोर चोट्टा नहीं तो ये सब स्वार्थी लोग नहीं तो बैंक आ जाएगा, तुम्हारा भोग में आएगा नहीं, इतना कष्ट कर रहे हो, तुम कितना खाओगे, दो रोटी चार रोटी खाओगे, ये तीन फुट जगह में सोओगे, कितना तुम भोग करोगे, ये तो दूसरे के लिए अभी कर रहे हो, पीछे भी पड़ा रहेगा। तो ये वंचनाकारी दृश्यमान जगत की कोई भी वस्तु पदार्थ के साथ हमारे जो संयोग,
या हम प्रेम मानते हैं, ये सब संयोग है, ये मिथ्या वंचनाकारी। लेकिन कृष्ण प्रेम जो, भगवत प्रेम जो है अकोईतव, यह कोईतव प्रदान, वह है अकोईतव, माने वहां वंचना नहीं, वो सत्य है, नित्य सत्य है। इसीलिए प्रेम करो तो राधा रानी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। यहां तो देना पड़ेगा तब प्रेम होगा, वहां देने का कुछ प्रयोजन है नहीं। यह देना पड़ेगा प्रेम के लिए, तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा दोस्त आता है, तुमको खूब प्रेम करता है, तुम्हारे घर में आया तो एक दिन में तुम चाय नहीं पिलाओ, कुछ खाने नहीं देना, आने से बैठने भी नहीं देना। हाँ, खातिर करना, अच्छा भैया ठीक है ठीक है, ना बैठने दिया, ना चाय पिलाया, ना मिठाई दिया, तीन दिन में कैसे देखो हम जाते हैं थोड़ा सा, हमारे लिए खातिर नहीं, एक कप चाय के लिए बोलता नहीं है, लेट उसके यहाँ मत जा, एक कप चाय के लिए भी बोलते, अरे प्रेम तो है ना, चाय से क्या लेना देना है तुम्हारा, ना उनको चाहिए, खातिर चाहिए, सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, दिखावा। सो तुमको देना पड़ेगा तब थोड़ा सा प्रेम तुम प्राप्त कर सकते हो, नहीं दोगे, चाहे बेटा हो, बेटी हो, स्त्री हो, कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन यह ठाकुर जी जो है हमारे, राधा रानी जो प्रेम है ना, देने का कुछ है नहीं, तुम्हारा मन को हमको दो, मन बना भाव, तुम्हारा मन को हमको दो, थोड़ा सा प्रेम करो, देखो हम तुम्हारे हृदय का समस्त अंधकार को नष्ट कर देंगे, तुमको आनंद सागर में डुबा देंगे, कुछ खोने का भय नहीं, खोने का कुछ है नहीं, मिलेगा अनंत तुमको मिल जाएगा। संसार को प्रेम करोगे, मिलेगा कुछ नहीं, जाएगा सब कुछ, नष्ट होगा सब कुछ। भगवान से प्रेम करोगे, जाएगा कुछ नहीं, मिलेगा सब कुछ। ले उल्टा, फिर भी कितना नीमक हराम ये मनुष्य जाति, सब नहीं, हम जैसे दो चार, हम जैसे भी जीव है, ऐसे हैं, भगवान से प्रेम करने के लिए तो मानते ही नहीं है। आजकल तो नए नए आधुनिकता, सभ्य समाज जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर नहीं, वो लोग तो बहुत आगे हैं, वो हमारे धर्मशास्त्र इतना आदर से लेते हैं, देखो ना लाखों लाखों आते हैं, सब छोड़ छाड़ के भारत में आते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, ऐसे हमारे पास लाखों आते हैं, पूरा वेस्ट यूरोपियन कंट्री से हमारे पास लाखों लाखों आते हैं। थोड़ा सा उपदेश चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करूँ, कैसे करूँ, और हम उनके नग्न कल्चर को अपना रहे हैं। शर्म नहीं है ऐसे बेशरम, ये लोग कहते हैं धर्मांधता, ये लोग कहते हैं धर्मांधता, कहते हैं धर्म अंधा है, धर्म चक्षु है, अंधा तो तुम हो, धर्म नहीं है इसलिए तुम अंधा हो। अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयम एवच एतत् समशिकं प्रप्त धर्मस्य पंच लक्षणम्। ये धर्म है, धर्म नहीं है, वो अंधा है। तुम धर्म को अंधा कहते हो, धर्म अंधता, तो चक्षु क्या है तुम्हारा, तुम्हारा क्या चक्षु, किसको कहते हो तुम चक्षु, ये लोग जानते ही नहीं है, कोई ज्ञान तो है ही नहीं। तो ये संसार अनित्य है, ये मिथ्या है ना, इसलिए उपासना करना जरूरी है, भगवत उपासना। ऐसे आधुनिकता का होड़ में पड़ करके हम अपने संस्कृति को भूल करके, सत्य से मुंह मोड़ करके अंधकार के ओर यात्रा की है। हमारे पहले तो थोड़ा सा रोशनी की तरफ हमारे सभ्यता तो चल रहे थे, लेकिन अभी ऐसे घोर आ गया, ऐसे अशुभता, इसको शुभता तो है नहीं, ऐसे अशुभता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं अंधकार के तरफ। यहाँ दया नहीं, हिंसा नहीं, करुणा नहीं, कुछ नहीं, अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम, ये धर्म है नहीं यहाँ। यहाँ अधर्म को धर्म कहते हैं, धर्मांधता कहते हैं। तो इसलिए धर्म है चक्षु,
जहां चक्षु नहीं हो तो अंधा ही है। तो हमारे जो सनातन धर्म, ये जो हमारे भक्ति उपासना पद्धति, ये है रोशनी, लेकिन हम ये इसके तरफ पीछे करके हम चल रहे हैं अंधकार की ओर। तो अकैत कृष्ण प्रेम जन जम्बु न दोहेम से ही प्रेमा नीलोके न है, यदि है तार जोग ना है वियोग, वियोग हईले कबू ना जी आए। ये संसार के जितना प्रेम है ये कैतव प्रधान, और जो वो प्रेम है अकैतव, वहाँ कुछ खोने का भय नहीं, मिलेगा सब कुछ, अनंत शांति आनंद तुमको मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, तुमको कुछ कीमत चुकाने का ये नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम 56 भोग लगाना पड़ेगा, बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाना पड़ेगा, तब जाके भाई भजन होगा, तुमको ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है, 56 भोग का कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो तुम देते हो। भगवान कहते हैं देखो तुम हमको क्या दोगे, तुम हमारा क्या सेवा करोगे, अरे हम तुम्हारे सेवा के लिए ये समस्त सृष्टि को रचना किए हैं, तुम्हारे जीने के लिए हमारा कोई प्रयोजन नहीं, एक एक प्रकृति संपदा हम तुम्हारे जीने के लिए हमने सृष्टि किए हैं, एक एक प्रकृति जो भी वस्तु पदार्थ है, विज्ञान नाश रहा है भगवान का वस्तु है? वो तो सृष्टि थोड़ी करता है, विज्ञान आविष्कार करता है, ढका हुआ था तुमने थोड़ा सा उन्मोचन करके दिखा दिया है? भगवान ऐसे सब सृष्टि किए हैं हमारे जीने के लिए, तो तुम हमारे क्या सेवा करोगे, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा के लिए समस्त रचना किए हैं, तुम क्या सेवा करोगे, सेवा करो, अगर सेवा चाहते हो इतना करो, मन मना बाबा तुम्हारा मन को हमको दो, हमको तुरा प्यार करो, हमको कुछ चाहिए नहीं, तुम हमारे प्रिय हो, तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे कितने प्रिय हैं, तुम भूल गए हो, मुंह मोड़ के देखो, कुछ देने का भय नहीं, कुछ खोने का भय नहीं, अनंत शांति आनंद तुम प्राप्त करोगे, कुछ नहीं, सिर्फ मन से हमको चिंतन करो, मन मना भवो मत भक्तो, हमसे प्रेम करो, मत जाजी, जाजन माने पूजा, पूजा माने क्या, पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वंग जो मे भक्त प्रजच्छति तदहं भक्त पड़ी तुम अष्टामी प्रजुरात्मन। 56 भोग नहीं चाहिए, पत्र, पत्र माने तुलसी पत्ता, यहाँ तुलसी पत्ता भगवान, पुष्प ये है ना, फलंग मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जलंग थोड़ा सा एक गिलास जल देना, हम प्रसन्न है, तुम्हारा मन को हमको दो उसी में हम प्रसन्न है, थोड़ा सा देखो ना, प्रेम करके देखो ना, आप खुद देख रहे हैं हम तो प्रेम करते नहीं है, ना हमारा वो प्रेम हुआ है, ना वो प्रेम का प्रेम सान्निध्य हम कभी प्राप्त किए हैं, हाँ थोड़ा सा आभाषित तो हुआ है, जिस आभाषित होने का कारण आज 42 साल हो गया, सब छोड़ छाड़ के राधारानी बुला लिए हैं उनके चरण सान्निध्य में, हमको निवास दे दिया, लेकिन बहुत कुछ देख रहे हैं हम, उतना प्रेम तो करते नहीं, ना उतना भजन करते हैं, लेकिन उनके देखते हैं, क्या कहूँ, ये कहने का है नहीं, ये मैं ही जानता हूँ, इतना तो भजन किया नहीं, ना करते हैं, नहीं इतना चित्त शुद्धि है हमारी, फिर भी देखते हैं उनके अपरिसीम असीम प्रेम छटा देखते हैं, ये तो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, ये तो किसी का कहने का तो आवश्यकता है नहीं, कोई शास्त्र कहेगा नहीं, हम कहने का आवश्यकता नहीं, हम देख रहे हैं, प्रेम तो हम किए नहीं है, ना उतना भजन करते हैं, ना चित्त शुद्धिकरण है हमारा, अभी भी मन में बहुत सारे गलतियां हैं, गलत बहुत सारे दोष है हमारे अंदर, फिर भी उनकी करुणा तो देख रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो अकुत कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम अकुत, वंचना नहीं, यहाँ मिलेगा अनंत शांति आनंद तुमको मिलेगा,
सिर्फ कुछ नहीं, तुम्हारा मन को हमको दो, तुम दुनिया को अपनाया, संसार को अपनाया, थोड़ा हमको अपना करके देखो, तुम्हारा हृदय को हम आनंद से भर देंगे, तुम्हारा हृदय को समस्त अंधकार को हम रोशनी पुज्जलन कर देंगे वहां, पूरा जगत को तुम्हारे चरण में लाके हम डाल देंगे, क्या चाहते हो तुम? अकुहित कृष्ण प्रेम जन जम्मू न दहेम, तो ये प्रेम उस प्रेम प्राप्ति के लिए आए हैं हमारे सिद्ध बाबा। लेकिन इनके जो विरह दशा अवर्णनीय, अब ऐसे संताप में डूब गए हैं, रात तो 11 बज रहा है, 1 घंटा हो गया। देखिए कथा होता है भाव से, कथा कभी घड़ी देख के होता नहीं है, ऐसा कथा हमसे तो होता नहीं है भाई, हमको ड्यूटी करना नहीं है, जे प्रोफेशनल भी है नहीं, इतना पैसा 10,000 रुपया देंगे महाराज जी, गए 1 घंटा प्रमोशन कर देना, ऐसे भी है नहीं। तो इसीलिए हमारा कथा आज पूर्ण होने से होने में देरी हो जाएगा, हम काल बाकी कथा काल कहेंगे, सिद्ध बाबा को करी देंगे, सिद्ध बाबा को करी देंगे ना, काल थोड़ा कहेंगे, साधु संबंध आलोचना ही तो करना है हमको, सिद्ध बाबा तो क्या जरूरी है, हमको यही समाप्त तो करना है, जरूरी थोड़ी है, काल फिर और चलेंगे, चलना है, सब आएंगे, सब बोलना है हमको, चलना है हमको, भगवत चरण में मन को लगाना है, जन तन प्रकार नो कृष्ण मनो निवेश है, जैसे भी हो जन तन प्रकार, जिस उपाय के द्वारा तुम्हारा मन भगवत चरण में लगता है ऐसा करो, जनता न प्रकार मन को लगाओ, बस ये उत्तम प्रक्रिया है। मन लगता नहीं ऐसा कर्म नहीं करना, मन लगता नहीं आप भजन कर रहे हैं, नहीं मन लगना चाहिए, कौन उपाय के द्वारा, सत्संग में हो तो सत्संग उत्तम है, नाम जप से हो तो नाम जप के द्वारा, जैसे भी हो जनता न प्रकार न कृष्ण मनो निवेश है। हम लोग दुखी नहीं होना, आज हमारा संपूर्ण नहीं हुआ, काल फिर हम थोड़ा सा जो भी बाकी है कहेंगे, फिर जैसे हो थोड़ा सा आस्वादन करेंगे, हमको आगे चलना है। जय जय श्री राम।